स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स फ्रॉम द पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस. इन द नेक्स्ट लास्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स. द डेफिनेशन ऑफ इंटरपोलेशन इज सेम in both cases, equal or unequal intervals. In actual practice, the data given is not always equidistant, and we have to interpolate the values of required argument in such cases also. तो क्या होता है जब आपने interpolation with equal interval पढ़ा था, तब हमने क्या स्टडी किया था कि x यानी कि आर्गुमेंट की जो भी वैल्यूज आपको गिवन होंगी, कोई भी आप दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज चेक करो, हर कंसेक्यूटिव वैल्यू के बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा. लेकिन इन जनरल किसी केस पर्टिकुलर से रिलेटेड अगर आप डाटा यूज करते हैं, तो एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा डाटा फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल काम है. इन जनरल जो डाटा होता है वो आपका मोस्टली इक्विडिस्टेंट नहीं होता. तो अब इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो गिवन डाटा है वो एक्स की वैल्यूज के बीच का इंटरवल अगर इक्वल नहीं है, तो जो एक्स की वैल्यूज आपको गिवन है उसके बीच के किसी पॉइंट पर एक्स की वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप क्या टेक्निक्स यूज करेंगे, कैसे वैल्यू निकालेंगे. व्हेन द वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट आर नॉट इक्वली स्पेस्ड देन वेरियस डिफरेंसेस विल बी इफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन द वैल्यूज ऑफ द आर्गुमेंट. दिस चेंज also affects the definition of the various differences for equal intervals. The differences defined by taking into consideration this change in the values of the argument are called divided difference. जब आपने first और second chapter में जो भी आपने अभी तक topic 1, 2 या 3 में कहूँ book के according अगर हम कहें अपना first और second chapter, आपने दो ऑपरेटर्स यूज करे हैं मेनली, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर. ये दोनों ही ऑपरेटर आप तभी यूज कर सकते हो जब आपके पास एक्स यानी कि आर्ग्यूमेंट के बीच का इंटरवल इक्वल हो. अब हम कह रहे हैं कि जब आर्ग्यूमेंट्स के बीच का इंटरवल इक्वल नहीं है, तो जो आप वाई की वैल्यूज के बीच का डिफरेंस निकालोगे, आर्गुमेंट के बीच का डिफरेंस इक्वल ना होने से वो डिफरेंस भी अफेक्ट होगा. तो जब आप ऐसा डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन दिस चेंज इन द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, तो जो आपने फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस की नोटेशंस पढ़ी हैं, वो आपकी अप्लाई नहीं हो सकती. तो अब यहाँ पर एक नया डिफरेंस पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, डिवाइडेड डिफरेंस. डिवाइडेड डिफरेंस की जो डेफिनेशन है वो आपने तभी यूज करनी है जब आपकी एक्स की वैल्यूज यानी कि आर्ग्यूमेंट्स के मिडल का डिफरेंस क्या हो, अनइक्वल. तो अब सबसे पहले जैसे हमने डेल्टा नेबला ऑपरेटर्स पढ़े थे, अब सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि ये डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है, कैसी डेफिनेशन है इसकी, क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे इसकी टेबल बनाएंगे, फिर इस ऑपरेटर को यूज करते हुए हम अपना एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे जिसकी हेल्प से हम इंटरपोलेशन मेथड यूज करेंगे. तो सबसे पहली जो अब आपकी डेफिनेशन है वो है डिवाइडेड डिफरेंस. क्या है, लेट एफ एक्स बी ए गिवन फंक्शन विच अटेन्स द वैल्यू एफ एक्स 0, एफ एक्स 1, एफ एक्स 2 अप टू सो ऑन एफ एक्स एन corresponding to the values x0, x1, x2 up to so on xn of the argument x. Here arguments are not equally spaced, or we can say that this is the case of unequal interval. अब जरा ध्यान से एक बार हम पिछला भी साथ साथ रिवाइज करें अगर इसके, तो जब आपने
फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन डिफाइन की थी, तो हम आर्ग्यूमेंट्स कैसे लेते थे, ए ए प्लस एच, ए प्लस टू एच, ताकि आपको देखते ही ये क्लियर हो जाए कि दो कंसेक्यूटिव एक्स की वैल्यूज के बीच का डिफरेंस सेम है। अब क्योंकि यहाँ एक्स के बीच के डिफरेंस पर कोई कंडीशन नहीं है, कहीं पर भी कितना भी गैप हो सकता है, तो इसलिए मैंने नोटेशन x नॉट x1 अप टू सो ऑन xn यूज करी, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन की आपकी वैल्यू है। अब जैसे वहां आप डेल्टा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, डेल्टा स्क्वायर सेकंड ऑर्डर, डेल्टा क्यूब थर्ड ऑर्डर, ऐसे आपने डिफरेंट ऑर्डर के डिफरेंसेस निकाले थे, सिमिलर टू ऐसे ही हम डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड एनी ऑर्डर तक के। तो सबसे पहले मैं जो स्टार्ट कर रही हूँ वो आपका क्या है, द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स फॉर द आर्ग्यूमेंट एक्स नॉट और एक्स वन। अब इसको आप कैसे नोटेशन दोगे, देखो ये जो मैंने लेफ्ट साइड लिखी है और राइट मोस्ट लिखी है, आप दोनों में से कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं। अब जरा इस नोटेशन को ध्यान से देखो, क्या फर्क करा मैंने इसमें, डेल्टा तो मैंने वैसे ही बनाया, बीच में एक वर्टिकल लाइन लगा दी, रीड हम इसे भी डेल्टा करेंगे, लेकिन ये आपका फॉरवर्ड डिफरेंस ना होकर क्या है, डिवाइडेड डिफरेंस, इसको बीच में से हमने डिवाइड कर दिया ना। अब देखो चाहे आप ये नोटेशन यूज करो चाहे ये नोटेशन यूज करो, मीनिंग दोनों का सेम है, लेकिन आपको नोटेशंस दोनों क्लियर होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम्स में से क्वेश्चन में प्रॉपरली अप्लाई कर पाओगे। अब देखो क्या करना है, हमने मान लो मैं फर्स्ट टू वैल्यूज का डिवाइडेड डिफरेंस निकाल रही हूँ। जब आप फॉरवर्ड डिफरेंस पढ़ते थे तो क्या करते, अगर मैं कहूँ कि x नॉट और x1 का फॉरवर्ड डिफरेंस निकालो, तो हम हमेशा क्या करते हैं, बड़ी x की वैल्यू में से छोटी वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अगर मैं इसमें सिर्फ डेल्टा लगाने को कहती तो ये जो मेरा ऊपर का न्यूमरेटर है ये आपका डेल्टा हो गया। अब क्योंकि यहाँ x की वैल्यूज का जो डिफरेंस अनइक्वल है, हमें उसका इफेक्ट भी कंसीडर करना है, तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में वही x की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देनी है। ठीक है, तो अब आप इसे fx नॉट x1 लिखो या डेल्टा के नीचे x1 लिख के f ऑफ x नॉट लिख दो। अब सिमिलरली देखो, अगर मुझे f ऑफ x1 x2 निकालना है तो क्या करेंगे, x2 में से फंक्शन की वैल्यू में से x1 पर फंक्शन की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करी और नीचे x2 माइनस x1 कर दिया। ओके, अब हम बात करते हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस